नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। देखो जी, भगवान ने मेरे को बनाया है, मैं किसी के बारे में क्या कह सकती हूँ। मैं तो अपने बारे में कह सकती हूँ कि भगवान ने मुझे आज ये मौका दिया है। राजा रामचंद्र जी भी 14 साल के बाद वनवास से आ गए थे, मुझे तो 15 साल हो गए यहाँ पे रहते, तो मैं तो अपना मुकाबला मेरे भगवान के आशीर्वाद से ही लेना चाहती हूँ। अपनी जीत की अपनी बात रखूं और इलाके के लिए काम करूं। आप अपनी जीत कितने वोटों से मानते हैं, आपको क्या लगता है कितना मार्जिन अगर रहेगा? ये मार्जिन मैं नहीं बताऊंगी, यहाँ अटेली विधानसभा क्षेत्र की जनता, जिन्होंने 10 साल तक का राज, इस तरह का डिक्टेटर राज भुगता है, जिन्होंने तानाशाही सरकार देखी है, जिसने इस तरह की ये जो लड़कों के साथ हमारे जो भाई हैं, इनके लिए अग्निवीर जैसी योजना लाए हैं, वो इनका गिन गिन के बदला लेंगे। नंबर एक। नंबर दो, जो प्राइवेट जो जितने बच्चे लगे थे उन बच्चों का, या जो ठेका प्रथा कर दिया, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे हमारे छात्रों का हो, चाहे भाइयों का हो, चाहे पढ़ाई का हो, यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं थी
जो इनका निराकरण करना चाहिए था। और तो क्या, जेबीटी जो स्कूल थे, जो प्राइमरी स्कूल थे, वो भी हमारे यहाँ पर 8 स्कूल हटा दिए गए। और इससे हमारा इतना नुकसान हुआ, जो बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ के और आगे कुछ बन सकता था, आगे बढ़ सकता था, उसका वहीं की वहीं गला दबा दिया गया। तो इससे ज्यादा मैं थोड़ी बताऊंगी। और अब तो उन लोगों के सामने मुकाबला है जो अपने आप में ही बड़े हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, जो यहाँ की कल्चर को नहीं जानते। उनको ये नहीं पता शाणा गांव कहाँ है, उनको ये नहीं पता बागोत कहाँ है, ये नहीं पता कोटिया कहाँ है, तो कोटिया में कितने बूथ है, तो शाणा में कितने बूथ है, तो सराय में कितने बूथ है, तो दोंगड़ा आहिर में कितने बूथ है, तो दोंगड़ा आहिर में क्या काम हुआ, तो गणियार में क्या काम हुआ, तो वहाँ उसके चंदपुरा के बस स्टैंड पे क्या जरूरत है। तो यहाँ पे 5 गाँव का जो ये एरिया है, शेलंग, शाणा, पोता, नुताणा, बागोत, खेड़ी, तलवाणा, इसके बीच में यहाँ पर क्या होना चाहिए। वो लोग जो ऐसे हैं जिनको कपड़ों में, बहन जी प्लीज आप प्लीज मेरी बात सुनिए, आप पहले भी विधायिका की यहाँ से और इस इलाके को अच्छे से समझती हैं। मेरे को इस इलाके में लगातार 15 साल मुझे यहाँ रहते हो, मेरा जो जीवन है ये सारा जीवन अटेली विधानसभा क्षेत्र के लिए है। यहाँ पर जब मैं आई थी तो केवल प्राइवेट कॉलेज था, प्राइवेट स्कूल थे, और एक सब डिवीजन की जगह एक मात्र एक वो थी, क्या कहते हैं, सब तहसील। तो मैंने मुख्यमंत्री उस टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, 2014 में उनकी रैली कराई यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर सब डिवीजन मांगा, उन्होंने मुझे यहाँ पर सब डिवीजन दिया, और बहुत से यहाँ पर गर्ल कॉलेज दिया। तो अगर मैं गिनाऊँगी तो हॉस्पिटल दिया, गर्ल कॉलेज दिया, इसको PKS डिकाना कॉलेज को सरकारीकरण किया, और इस सब डिवीजन बनाने के लिए 383 करोड़ रुपए का मैं बजट यहाँ पर लेकर आई थी, और यहाँ पर मंडी लेके आई है, अनाज मंडी। उसके बाद सारे गाँव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं थी, जो स्ट्रीट्स थी, गलियां थी, वो इतनी टूटी हुई थी। आगे का मैनिफेस्टो ये होगा कि मेरा तो विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बहुत बड़ा होता है, लंबा चौड़ा होता है, लेकिन मैं तो बेसिक मूलभूत जो समस्याएं हैं, मैं तो उन्हीं से जूझ रही हूँ। जो 15 साल का लगातार जो पीरियड मैंने देखा, 5 साल के बाद 10 साल की जो BJP की सरकार देखी, इसके जो कारनामे देखे, जो काम हमने करवाए थे उन कामों को भी हटा दिया, गिरा दिया, दुड़ा दिया। आप देख रहे हैं सारे यहाँ के आप लोकल हैं, चाहे आप प्रेस रिलेटेड हैं, चाहे दूसरी मीडिया के माध्यम से हैं, आप सबको पता है, आप सब स्माइल आपका फेस कह रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, यहाँ पर लूट, खसूट और चेहरे बदल, पत्थर बदल सरकार रही है। केवल नाम बदले गए, पत्थरों के नाम बदले गए, काम के नाम बदले गए, और उसके बाद ऐसा यहाँ पर माहौल क्रिएट किया गया कि जिसकी वजह से कनीना और कनीना के आसपास के लोग अटेली विधानसभा क्षेत्र का नाम लेने वाले यहाँ पर 10 साल में। आप अटेली में अपना काम किया है, आज आपने नॉमिनेशन दाखिल किया है, आगे की क्या कुछ प्लान है? सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का जो है राजीव राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और हरियाणा के प्रभारी श्री दीपक बावरिया जी, हरियाणा के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय सर्वप्रिय नेता सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वे हमारे यहाँ के लोकल लीडर राव दान सिंह जी का, जो दक्षिणी हरियाणा की शान है, उन्होंने ये टिकट एक प्रत्याशी जो अटेली से बनाया है, मैं उनका सबसे पहले आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और साथ ही साथ ये कहना चाहती हूँ कि 10 साल के अंतराल BJP ने जो यहाँ पर जो अफरा तफरी मचाई है, जो यहाँ पर इस तरह का माहौल क्रिएट किया है, जो हमारे इलाके में जहाँ पे मैं जो कुछ छोड़ के गई थी वो भी हिस्सा नहीं छोड़ा, बजाय कि इतने पैसे मैं सब डिवीजन बनाने के बाद छोड़ के गई थी, वो एक एक पैसा इतना ज़्यादा खराब किया गया है, मेरी आंखों के सामने खराब किया गया है। आज मौका आ गया है कि इन पैसों का गिन गिन के बदला लेंगे, और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की जो ये सीट जो उन्होंने मेरे को भेजी है अटेली के प्रत्याशी के रूप में, ये हम उनकी झोली में डाल कर देंगे।